राजधानी भोपाल के मध्य क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद ने सरकार से पूछे तीखे सवाल। देखे क्या है पूरा मामला। प्रधानमंत्री जी ने फिर और मुख्यमंत्री जी ने वही बातें करी जो पहले से करते आ रहे हैं। जनता सहयोग करे, जनता हमारे साथ रहे, धैर्य रखे। देखिए ये सब जान रहे हैं, ये पूरा देश इस समय जान रहा है कि ये आपदा ऊपर वाले आसमान वाले की है जो हमसे नाराज है, और सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, भूखे प्यासे रह के अव्यवस्थाओं के बीच भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में सरकार का काम होता है कि सरकार उन विफलताओं को दूर करने के लिए अपने पास से क्या प्रयास कर सकती है, और अगर वो अच्छे प्रयास करती तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो हम लोग उसका धन्यवाद देते। लेकिन कल जो 7 सवाल देखे उसमें धन्यवाद देने लायक कहीं नहीं है, क्योंकि उसमें मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य कर्मी उनको आपने किट दी क्या सरकार की तरफ से? आपकी पुलिस व्यवस्था में जितने पुलिस कर्मचारी लगे हैं बेचारे अपने पास से मास्क खरीद के लगा रहे हैं, उनको व्यवस्था नहीं करी आपने सरकार से? जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके पास PPT किट नहीं है। हद यह है कि भोपाल के अंदर जो टेस्टिंग लैब है वो इतनी पर्याप्त नहीं है, यहाँ की टेस्टिंग को ये लोग दिल्ली भेज रहे हैं, 4-4 दिन 5-5 दिन में रिपोर्ट्स आ रही है। यदि वो रिपोर्ट्स के दौरान वो व्यक्ति किसी के संपर्क में आ जाता है और बाद में पॉजिटिव पाया जाता है तो जितने लोगों को वो प्रभावित करेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे बड़ी बात अफसोस की है कि स्वास्थ्य विभाग के इतने ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी, भोपाल में 145 के आंकड़े में पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि शिवराज सिंह जी सुबह रोज़ बाइट देने का तो आपको बहुत शौक है, बहुत शौक से आप बड़े तैयार होकर अपडेट होकर बाइट देते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको जनता का ख्याल है भोपाल की और मध्य प्रदेश की? 145 भोपाल के जुए, आपने उस आंकड़े को देखा? उसमें स्वास्थ्य कर्मी 75 के ऊपर है। आपके स्वास्थ्य विभाग, जिस विभाग को जनता का हित रखना है वो विभाग खुद उसमें हो गया, और उस विभाग के कर्मचारी इसलिए हो गए क्योंकि आपके एक आला अधिकारी खुद प्रभावित हो गए थे। एक दूसरा, उनके पास उपकरण नहीं, जब स्वास्थ्य विभाग के पास उपकरण नहीं तो फिर क्या होगा? तो ये निराशाजनक है। मैं भोपाल शहर की जनता जो बहुत अपने धैर्य रखी हुई है उनसे दरखास्त करूँगा कि विपरीत परिस्थिति में भी हम सब लोग मिलकर रहें। मेरे द्वारा भी 7 किचन भोपाल के अलग अलग इलाके में चलाए जा रहे हैं, और बेपनाह स्वयंसेवी संस्थाएं जो खुद से निकलकर काम कर रही हैं और अपने अपने तौर पे किचन चलाकर खाना बांट रही हैं, हम सबको धन्यवाद दूंगा। और आज पहली बार इसीलिए इन किचनों पे निकला हूं, वैसे मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन फिर आगे बढ़ा है 19 दिन का, तो मैं जनता से कह रहा हूं कि धैर्य रखें, और जो किचन चलाने वाले हैं उनको हौसला दे रहा हूं और कहूंगा कि मालिक आपकी ये पूर्ति करेगा, ये किचन बंद नहीं होना चाहिए, पूरे भोपाल में चलें। और लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं जो लोगों की हैसियत है वो अपने अपने इलाकों में खाने का वितरण अपने पास से बना के करें ताकि कोई भूखा ना सोए। भोजपुर की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर प्रदेश के साथ स्थानीय खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें।